spectacular. हेलो फ्रेंड्स, इस इज अनिकेत शर्मा, वेलकम इन आवर चैनल। हाउज इट? तो यार, काफी दिन से कंट्रोवर्सी चल रही है। ब्रेकिंग न्यूज में एक ही न्यूज आ रखी है, दो खिलाड़ियों के बारे में, दो क्रिकेटर्स के बारे में, हार्दिक पंड्या एंड केएल राहुल, जो अब दोनों टूर से बाहर निकाल दिए गए हैं, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो और चाहे वो हो न्यूजीलैंड, जो 23rd जैन से स्टार्ट होने वाली है सीरीज न्यूजीलैंड के खिलाफ। तो यार, कॉफी विद करण में कुछ ऐसी बातें हुई या ऐसी बातें करी गई या बोली गई जो नहीं बोलनी चाहिए थी दोनों खिलाड़ियों को। तो यार, फ्लो में निकल गई अपने, ये कह सकते हैं, क्योंकि हार्दिक पंड्या ने भी यही कहा कि फ्लो में निकल गई और उन्होंने गलती भी मानी, लेकिन गलती जो उन्होंने की है वो काफ़ी भारी पड़ी उनको और ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए थी यार। थोड़ा कह सकते हैं, हम क्या बोले, काफ़ी बड़े बड़े खिलाड़ियों के कमेंट भी है, जैसे हरभजन सिंह हुए और काफ़ी बड़े खिलाड़ी के कमेंट है। हरभजन सिंह का तो बहुत ज़्यादा बड़ा जो आंसर था वो काफ़ी बड़ा आंसर आया था, वो मैं इसमें बोलूँगा नहीं, आप चेक कर लीजिएगा, कहीं भी आपको मिल जाएगा वो सोशल मीडिया पे। और उसके बाद दोनों खिलाड़ी को टूर से बाहर निकाल दिया गया और दोनों ही काफ़ी ज़्यादा लॉस, काफ़ी बहुत बड़ा लॉस है दोनों के लिए, क्योंकि हार्दिक पांड्या जो अपनी इंजरी से आए थे अभी और उनको मैचेस खेलना था और वो डेफिनेटली मैचेस खेलते ही, क्योंकि वो प्लेइंग 11 में होते ही यार, क्योंकि ऑलराउंडर की वैसे भी एक ही ऑलराउंडर है अभी हमारे पास, हार्दिक पांड्या, जो परफेक्ट है, लेकिन वो टीम से बाहर निकाल दिए गए। और केएल राहुल जो नहीं चल रहे थे, टेस्ट मैच में बिल्कुल नहीं चले, फिर भी टीम का हिस्सा बने हुए थे, यार ये बहुत बड़ी बात है। जब आप नहीं परफॉर्म कर रहे तो अभी आपको चांसेस मिलते जा रहे हैं तो बड़ी बात है, और स्पेशली इंडियन टीम में तो ये और भी बड़ी बात है। लेकिन यार, उनको भी दोनों टीम से बाहर निकाल दिया गया है, तो उनके जो दो रिप्लेसमेंट हैं वो आए हैं, एक शुभमन गिल और विजय शंकर। तो यार, विजय शंकर के ऊपर तो ज़्यादा अपने क्वेश्चन कर नहीं सकते, क्योंकि सिमिलर रिप्लेसमेंट चाहिए था हार्दिक पांड्या का और कुछ ज़्यादा ऑप्शन थे नहीं हमारे पास। तो विजय शंकर तो कन्फर्म थे, क्योंकि वो पहले भी खेल चुके हैं इंडिया के लिए, तो विजय शंकर आपको प्लेइंग 11 में भी खेलने को मिल सकते हैं, 90% चांसेस हैं कि वो खेलेंगे। और जो शुभमन गिल है यार, शुभमन गिल, मयंक अग्रवाल भी आ सकते थे, काफ़ी लोगों ने सोचा होगा, मैंने भी ये सोचा था कि क्योंकि अच्छा परफॉर्म कर रहे थे ऑस्ट्रेलिया में, अभी अच्छा परफॉर्म किया था, तो वो भी आ सकते थे, लेकिन शुभमन गिल को चांस मिला, क्योंकि उनका जो रणजी, अभी पिछली रणजी ट्रॉफी गई है वो काफ़ी अच्छी गई है, और केकेआर के लिए पिछले साल उन्होंने 200 प्लस रन भी बनाए हैं कुछ 13 मैचेस में, 203 रन है शायद उनके, तो उनकी परफॉर्मेंस के बेस पे भी उनको लिया गया है, लेकिन उनको चांस मिलना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि एज अ ओपनर मेरे हिसाब से केएल राहुल को लिया गया था, तो जो ओपनर है हमारे वो है रोहित और धवन, तो जब किसी प्लेयर को इंजरी होगी तो चांस मिलेगा, तो मुश्किल है, तो अब देखना होगा हमें कि क्या होता है आगे, क्योंकि दो रिप्लेसमेंट मिले और ये लॉस जो हुआ है हार्दिक पांड्या और केएल राहुल को, ये कितना महंगा पड़ता है दोनों के लिए। और प्लीज़ मेरे को डिस्क्रिप्शन में कमेंट जरूर करें, ये जो डिसीजन लिया गया है इतना बड़ा, और या जो भी हार्दिक पांड्या और केएल राहुल ने जो भी कुछ बोला है वो सही बोला, मतलब सही था या नहीं, डिसीजन सही था या नहीं, या इतना बड़ा डिसीजन नहीं लेना चाहिए था, या दो मैच का ही बैन लगाना चाहिए था, तो यार वो मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि लोगों की सोच पता लग सके। आगे आपको बताइए क्या करना है यार, शेयर, सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, सब कुछ कर दीजिए यार, जल्दी जल्दी। डिस्क्रिप्शन में मैंने अपने इंस्टाग्राम चैनल का लिंक भी डाल रखा है, तो उसे भी जाके फॉलो करें। कीप प्लेइंग क्रिकेट, कीप वॉचिंग क्रिकेट, ईट हेल्दी, फिट रहो, जो फिट है वो हिट है।